एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। क्लास 6 मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर की एक्सरसाइज 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल गिवन है, तो हम उन्हीं में से फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल गिवन है, एस्टिमेट द सम दिस एंड दिस बाय एस्टिमेटिंग द नंबर्स टू देयर नियरेस्ट। फर्स्ट कंडीशन इज गिवन 100 एंड सेकेंड वन इज 1000। तो इन नंबर्स को हमें एक तो करना है नियरेस्ट 100 के, एंड सेकेंड में हमें करना है 1000 के। तो सबसे पहले हम 100 के नियरेस्ट करते हैं। तो देखो, 100 के नियरेस्ट करते हैं तो 290, या तो आप इसे बनाओ 200 या फिर आप इसे बनाओगे 300। तो ये 90 है, 50 से बहुत ज्यादा है, तो हम इसे बनाएंगे 300। तो ये बनेगा 5300 एंड प्लस इसका हम देखते हैं 17986। इसे हम बनाएंगे या तो 900 बनाएंगे या फिर 1000। अब देखो, 986 है तो ये 1000 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो ये बन जाएगा 1000। तो 1000 बनेगा तो कितना हो जाएगा, 18000। क्लियर है सभी को? अब इन्हें हम ऐड करते हैं, 3, 8 एंड 5, 13 एंड 2। क्लियर है सभी को? अब हम करते हैं 1000 के नियरेस्ट 5290। 1000 के नियरेस्ट बनाएंगे या तो बनेगा 5000 या फिर बनेगा 6000। तो देखो आप, 290 है तो हम किसके ज्यादा पास में है, 5000 के। तो इसे हम बनाएंगे 5000 प्लस इसको हम देखते हैं 7000 या फिर 8000। 986 है तो ये बनेगा 8000, इट मींस ये हो जाएगा 18000। तो कितना आएगा, 18 and 5 23 23000। क्लियर है सभी को? तो आई होप ये दोनों ही कंसेप्ट 100 and 1000 के क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है एग्जांपल नंबर 2। इसमें गिवन है एस्टिमेट दीज टू नंबर। अब इसे हम करते हैं, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है यहाँ पर, तो आप इन्हें, ये कितना गिवन है 1000, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, 1000 का ही एस्टिमेट बना सकते हो। तो इसे 1000 के नियर एस्टिमेट बनाएंगे तब ये कितना बनेगा, 000। एंड इसका हम बनाएंगे तो 5000 और 6000 में से क्या बनेगा, 6000। कितना बनेगा, 6000। तो हम अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 6000, जो कि क्या है, हमारा करेक्ट आंसर। आपके बुक में भी यही गिवन है, दोनों को नियरेस्ट 1000 एस्टिमेट बनाया गया है, देन हमें आंसर क्या मिला, 6000। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 बनाना है, नियरेस्ट 10 बनाना है। टू नंबर्स को हम देखेंगे, 99 है, या तो 90 बनेगा या फिर बनेगा 100। तो देखो, 100 के ज्यादा पास में है तो हम इसे बना देंगे 100। तो 100 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000। देखो, ये इतना था, इसमें हमें 100 ऐड करना है। 100 देखो, ये तो दोनों जीरो बन जाएंगे और इस जो वन है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 and 1 10, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये कितना बनेगा, 1000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसे हम बनाते हैं, ये क्या है, 99। तो 99 भी नियरेस्ट 10 हमें बनाना है, ये भी 100 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000। तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 1000। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10000। क्या लिखेंगे, 10000। क्लियर है? देखो एक बार फिर से देखना, 9999 नियरेस्ट 10 का हमें देखना है, तो ये 99 है, हम इसे क्या बनाएंगे, 100। तो 100 के लिए देखो, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, जीरो। वन इनका इधर चला जाता है, 9 and 1 10 का जीरो, अगेन वन इधर चला जाएगा, 9 plus 1 10। तो ये कितना बनेगा, 10000। अब इसे हमें बनाना है, अब ये 3 है, या तो आप 00 बनाओ या फिर आप इसे 10 बनाओ। तो किसके नियरेस्ट है, 00 के, तो ये भी हमारा बनेगा 10000। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको फिर से रिपीट करके बता दिया था, ये 99 है तो 100 बनेगा। अब 100 का ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 00, वन इधर आएगा, अगेन जीरो, वन फिर इधर गया, तो क्या बनेगा, 10000।
क्लियर है सभी को? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी कुछ एग्जांपल और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।